टेबल करने से पहले अध्यक्ष जी, मैं ताकि सदन के सभी सदस्यों को थोड़ा अवगत करा सकूं, मैं सदन के समक्ष सरकार का लगातार छठा आउटकम बजट रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 2022-23 के अंतर्गत 23 दिसंबर 2022 तक की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का विवरण है। अध्यक्ष जी, लगातार हमारी सरकार ने जो शुरू किया था आउटकम और आउटपुट बजट को पेश करना, और देश में शायद पहली सरकार है जो लगातार अपनी ही रिपोर्ट कार्ड जो है पब्लिक के बीच उसको पेश कर रही है। तो ये जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ आउटकम बजट 2022-23, ये मैं ये सदन के बीच आज रख रहा हूँ। महोदय, दिल्ली का आउटकम बजट एक ऐसा अनूठा दस्तावेज है जो जनता के पैसे से किए गए कामों की पारदर्शिता और जवाबदेही का उल्लेख प्रस्तुत करता है। बजट आवंटन अब केवल वित्तीय उपलब्धियों के रूप में नहीं मापे जाते, बल्कि यह आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर्स में विभाजित है, जिनका निरीक्षण अब बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आउटकम बजट दिल्ली सरकार की हर प्रमुख स्कीम के दो प्रकार के इंडिकेटर्स के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। अध्यक्ष जी, दो इंडिकेटर्स हैं जो हम यूजली इस पूरी रिपोर्ट में यूज़ करते हैं। पहला, आउटपुट इंडिकेटर्स, जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कामों को ट्रैक करता है, जैसे कि कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, कितने स्कूल बने इत्यादि। और दूसरा जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं इस पूरे रिपोर्ट में, वो है आउटकम इंडिकेटर्स। और आउटकम इंडिकेटर्स से हम ट्रैक करते हैं कि सरकार के कामों से लोगों को असलियत में कितना लाभ हुआ। जैसे कि हम स्कूल बनाते हैं या मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, तो वो तो आउटपुट इंडिकेटर का पार्ट है, लेकिन अगर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और उसमें सपोज पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो उसको फिर हम आउटकम इंडिकेटर के साथ उसको टेस्ट करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने मरीज चिकित्सा के लिए आए और उनमें से कितनों को मुफ्त दवाइयाँ मिली, सरकारी स्कूलों के छात्रों के कैसे परिणाम आए इत्यादि। केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो अपने कामों को लेकर तमाम आंकड़े स्वयं जनता के बीच रखती है। दिल्ली सरकार आउटकम बजट के तहत कुल 1,01,136 इंडिकेटर से सरकारी कामों की निगरानी रखती है। इसमें 668 आउटपुट इंडिकेटर्स और 468 आउटकम इंडिकेटर्स शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्तमान वर्ष के आउटकम बजट के अंतर्गत जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उस पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें टोटल जो इंडिकेटर्स थे वो 110 हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि 67% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। अगर हम की अचीवमेंट्स की बात करें, तो CBSE बोर्ड में 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों का परिणाम सराहनीय रहा। एकेडमिक सेशन 21-22 में सरकारी स्कूलों के 12वीं का परिणाम 98% और 10वीं का 97% रहा। दिल्ली के 83% सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे लग चुके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत 90% से अधिक सरकारी स्कूल प्रतिदिन अपने छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो की अचीवमेंट्स हैं अध्यक्ष जी, चौथे नंबर पर सभी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लागू किया। 2022-23 के दौरान मौजूदा स्कूलों में 11 नए स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस जोड़े गए। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में 2,00,000 छात्रों को ₹2,000 की सीड मनी प्रदान की गई, जिनसे 40,000 से ज़्यादा नए बिजनेस आइडियाज़ उत्पन्न हुए। अब मैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में जो इंडिकेटर्स हैं, वो 124 टोटल इंडिकेटर्स हैं, और इसमें से 54% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मेजर जो की अचीवमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं।
515 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं। यहाँ रोजाना औसतन 21,000 से ज़्यादा मरीज इलाज कराने आते हैं। दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 63,000 मरीजों ने आईपीडी में और 99,000 मरीजों ने ओपीडी में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाया। दिल्ली आरोग्य कोष योजना से 2,414 लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज प्राप्त किया। इसी योजना के प्रतिपूर्ति के तहत निजी केंद्रों पर 63,000 रेडियोलॉजिकल टेस्ट की सिफारिश की गई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अध्यक्ष जी, टोटल जो इंडिकेटर्स हैं वो 88 हैं और 69% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर कुछ हम की अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सभी सार्वजनिक सेवाओं को फेसलेस तरीके से प्रदान करने के लिए प्रमुख पहल शुरू की गई। इसमें अब तक 23,00,000 से अधिक अनुरोध का समाधान किया गया है। ये जो 35,00,000 जो सर्विसेज हैं अध्यक्ष जी, ये टोटल हमने फेसलेस तरीके से इनको रिजॉल्व किया है। दिसंबर 2022 तक 93,000 ई व्हीकल्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दिसंबर 2022 में दिल्ली में बेचे गए सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 16.7% थी अध्यक्ष जी, जो भारत में किसी भी राज्य से अधिक है। वन डेली ऐप नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। इस ऐप पर 3,300 क्लस्टर बसें और 4,000 DTC बसों को ट्रैक किया जा सकता है। हमारी सभी क्लस्टर बसेज में बस मार्शल तैनात हैं और DTC बसों में 92% बसेज में बस मार्शल्स तैनात हैं। अब PWD के टोटल इंडिकेटर्स जो हैं वो 60 हैं और इसमें से 77% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। अगर हम की अचीवमेंट्स की अगर अध्यक्ष जी बात करें PWD के, तो आपको अध्यक्ष जी याद होगा कि हमने वादा किया था कि पूरे दिल्ली में विशाल जो हैं तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे और 500 ऊंचे विशाल झंडे पूरी दिल्ली में लगे और दिल्ली आज के दिन तिरंगों का शहर बन गया है। आम जनता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 2,06,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आश्रम फ्लाईओवर से DND फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर यूरोपीय सड़कों की तर्ज पर जो 16 स्ट्रेच हैं उन पे काम पूरा हो रहा है। जल बोर्ड के टोटल इंडिकेटर 61 हैं और उनसे 66% इंडिकेटर्स ऑन ट्रैक हैं। जल बोर्ड की कुछ जो की अचीवमेंट्स हैं, 21-22 में 929.13 MGD का हमारे यहाँ पानी का प्रोडक्शन था और वो 2022 में अब 995 हो गया है, लगभग 65 MGD का प्रोडक्शन बढ़ा है अध्यक्ष जी। दिल्ली जल बोर्ड के 27,34,000 जो कंज्यूमर्स हैं उनमें 73% घरेलू कंज्यूमर्स को पानी की सब्सिडी मिल रही है। अनऑथराइज कॉलोनी में जो बिछाई गई पानी की पाइपलाइन की लंबाई बढ़कर 5,300 किलोमीटर कर दी गई है। अब 97% अनऑथराइज कॉलोनी में पाइपलाइन से जलापूर्ति हो रही है। गुणवत्ता के लिए लगभग 16,000 पानी के सैंपल का टेस्ट किया गया है। इसमें 97% सैंपल मानकों पर खरे पाए गए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट अध्यक्ष जी के टोटल इंडिकेटर्स 68 हैं और इसमें से 71% इंडिकेटर्स जो हैं वो ट्रैक पे हैं। वुमेन एंड चाइल्ड की जो की अचीवमेंट्स हैं डिपार्टमेंट की, 2022-23 में लगभग 3,47,000 महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 35,000 से अधिक है। 6,38,000 बच्चे और गर्भवती महिलाएं, माताएं आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। लाडली योजना के तहत 31,743 लड़कियों का नामांकन हुआ। वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही तक लगभग
21,000 मेच्योरिटी केसेस का भुगतान किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके 79 टोटल इंडिकेटर्स हैं और 73% इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं। कुछ मेजर जो अचीवमेंट्स रही, इसमें जो पोल्यूटिंग यूनिट्स हैं उसका लगातार ऑनलाइन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग चल रही है। वन क्षेत्र में 10,78,000 पौधे लगाए गए हैं। प्रदूषण विरोधी मानदंडों के उल्लंघन की ग्रीन दिल्ली ऐप पर आई 75% शिकायतों का निर्धारित समय अवधि के भीतर समाधान किया गया है। प्रदूषण के विभिन्न कारणों की रियल टाइम पर पहचानने के लिए IIT कानपुर, IIT दिल्ली और टेरी के सहयोग से आधुनिक लैब स्थापित की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट के टोटल इंडिकेटर्स अध्यक्ष जी 13 हैं और इसमें से 77% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। कुछ की अचीवमेंट्स AR डिपार्टमेंट की, सार्वजनिक सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के तहत 82,684 सर्विस रिक्वेस्ट को पूरा किया गया है। PGMS के तहत प्राप्त 96,000 शिकायतों में से 84,000 शिकायतों का निवारण किया गया है। RTI के माध्यम से लगभग 38,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से लगभग 24,000 को 30 दिनों के भीतर रिजॉल्व किया गया है। अध्यक्ष जी, यही मेन अचीवमेंट्स हैं आउटकम और आउटपुट बजट की। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का व्यापक आउटकम बजट पूरे देश में एक अनूठी बजटीय पहल है। यह न केवल आम लोगों और हमारे विभागों के लिए प्रभावी दस्तावेज है, बल्कि परियोजना को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसका अध्ययन करने वाले रिसर्चर के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। यह माननीय मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर स्कीम कार्यक्रमों की प्रगति की ट्रैकिंग के लिए एक प्रभावी साधन है। इस पहल को और प्रभावशाली बनाने के लिए योजना विभाग ने डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के समर्थन से एक आउटकम बजट डैशबोर्ड भी विकसित किया है। डैशबोर्ड से अध्यक्ष जी, जो उसका मेन एडवांटेज होगा कि आप रियल टाइम में और कम समय में जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको ट्रैक कर सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। जो सभी योजनाओं पर रियल टाइम निगरानी रखने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में सक्षम होगा, यह आउटकम बजट की प्रभावशीलता को और बढ़ाएगा। आउटकम बजट 2023-24 तैयार करने का प्रयास योजना विभाग द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। आउटकम बजट की कॉपी सभी माननीय सदस्यों को भेजी जाएगी। इसे योजना विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री गोपाल राय जी, माननीय विकास मंत्री उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनमें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन दिनांक 17 मार्च 2023 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अध्यक्ष महोदय, आभार व्यक्त करने के साथ आज सदन के अंदर जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सरकार के कामों का वर्णन किया, अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार लगातार काम कर रही है,
लेकिन इस बार की जो विशेष परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण रखा, उस अभिभाषण के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कामों में जिस तरह की अड़चनें पैदा हो रही हैं, उन अड़चनों के बावजूद दिल्ली के अंदर सरकार ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अपने काम को जारी रखा है वो काबिले तारीफ है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्री, अभी आउटकम बजट भी हमारे सदन के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से निरंतर कार्य हो रहा है, हम तमाम देखते हैं, राजनीति में तमाम सरकारें आई गई, राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर, उन सरकारों का जो लक्ष्य होता है वो चुनाव को लेकर के होता है। चुनाव जब आ रहा होता है तो सरकारें बहुत सारे काम करती हैं, और जब चुनाव खत्म होता है तो सरकारें सारे अपने एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। लेकिन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि पहले बार सरकार बनने के बाद से और आज तक निरंतर दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बजट का मामला हो, चाहे नए नए पाठ्यक्रम का मामला हो, चाहे पूरे दुनिया के अंदर से जो भी अच्छी चीजें हैं उनको सीख करके दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट करने का मामला हो, हर साल दिल्ली की शिक्षा क्रांति एक एक कदम नए कीर्तिमान को स्थापित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस बात का अफसोस भी है कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक आज मनीष सिसोदिया हमारे बीच में नहीं है, और षड्यंत्र की वजह से नहीं है। दिल्ली के अंदर अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है, जहां 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20-20 लाख रुपए डोनेशन लगते हैं, जिन स्कूलों में बड़े से बड़े डोनेशन के बाद एडमिशन होता है, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को इस बात का गर्व है कि दिल्ली के अंदर जो सबसे महंगे स्कूल हैं, उनसे भी बेहतर रिजल्ट आज सरकारी स्कूल के बच्चे लेकर के आ रहे हैं, ये कीर्तिमान रखता है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर शिक्षा, आज सब जानते हैं कि पूरे देश ने इस बात को मान लिया था कि सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं किया जा सकता। गरीब जो अपने बच्चों को मजबूरी में इस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराता था, अध्यक्ष महोदय, जब घर पे कोई रिश्तेदार आता था, पूछता था कि बच्चे कहां पढ़ते हैं, वो बताने में शर्म महसूस करता था। लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिन गार्जियन के बच्चे पढ़ते हैं, आज रिश्तेदारों को ही नहीं, अपने जो भी जानकार हैं उन सबको इस बात को गर्व से बताते हैं, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जिस तरह से न सिर्फ पढ़ाई का, बल्कि पढ़ाई का लोगों की जिंदगी से क्या संबंध बने, क्योंकि मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, भारत के अंदर आजादी के बाद जब शिक्षा नीति बन रही थी, तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम की बात रखी थी, और उसमें इस बात पर जोर था कि शिक्षा बेरोजगारों को पैदा करने की फैक्ट्री ना बन जाए। धीरे धीरे कालांतर में वो चीजें डेवलप हुई,
लेकिन पहली बार दिल्ली के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को शुरू करके छात्रों को जिस तरह से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की पूरी मुहिम शुरू हुई है, अध्यक्ष महोदय ये अद्वितीय है। भारत के अंदर किसी भी देश के अंदर सरकारी विद्यालय के अंदर ये अभियान नहीं चल रहा। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति जो आय है वो लगभग 17% की वृद्धि हुई है पिछले सालों के मुकाबले में। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज की तारीख में दिल्ली के अंदर 522 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, जो पूरे दुनिया के अंदर एक नए तरह का प्रयोग है। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के न सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बल्कि दिल्ली के अंदर 16,000 नए बेड अलग अलग अस्पतालों में जोड़े गए हैं। दिल्ली के अंदर सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी सरकार ने हर क्षेत्र के लोगों के प्रति अपना संवेदना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। दिल्ली के लोगों को बिजली के क्षेत्र में जो सुविधा मिल रही है, अध्यक्ष महोदय, माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में रेखांकित किया। हमें याद है कि जब दिल्ली के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो हमारा एक नारा होता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। अध्यक्ष महोदय, वादा किया था इस सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि बिजली का बिल हाफ होगा। पहली सरकार है जिसने वादा तो हाफ का किया था लेकिन आज 200 यूनिट माफ है दिल्ली के अंदर। वादे से भी ज्यादा काम करने वाली सरकार का नाम है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अध्यक्ष महोदय, 200 यूनिट तक आज दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, जिनका खर्च है 400 यूनिट, जिनका खर्च है उनको आधे पे मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, परिवहन के क्षेत्र में जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के परिवहन को संचालित करने के लिए नए बसों का बेड़ा जुड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली जिस तरह से ईबी पॉलिसी के माध्यम से देश की कैपिटल बन रही है, परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर लोगों में जो प्राइवेट गाड़ियां लेने में भी जिस तरह की पॉलिसी सरकार लेकर आई है उसमें लोगों के अंदर एक पैशन दिख रहा है। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के साथ साथ पर्यावरण एक अहम मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन को माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सूचित किया और मैं पूरे दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों के प्रयास से दिल्ली के अंदर, अगर हम पिछली बार की देखें तो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार गिर रहा है। दिल्ली के अंदर जो सीवियर डेज होते थे 2018 में, जो सीवियर डेज थे उन सीवियर डेज के मुकाबले में, 28 के मुकाबले में इस बार केवल 3 दिन ऐसा रहा है जो सीवियर कैटेगरी में रहा है। दिल्ली का PM 2.5, दिल्ली का PM 10 में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली के लोगों के प्रयास से आज दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से जो तथ्य हमारे सामने आए उन तथ्यों के आधार पर दिल्ली के इन विपरीत परिस्थितियों में एक ही बात अपनी बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि वो हमें परेशान करते रहेंगे और हम मिल करके काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय
भाई वो बोल रहे हैं एक बार। आपकी परमिशन चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को रखने के लिए और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अध्यक्ष जी, जैसा कि पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में कल एक ऐसा काला दिन था कि जब कुछ भाजपा के लोगों ने मिलकर, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब रोहिणी के एक स्कूल में गए, जो स्कूल था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल है उनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखा है। अध्यक्ष जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश को संविधान दिया, उनके सम्मान में दिल्ली के सारे उन स्कूलों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। लेकिन अध्यक्ष जी, कल रोहिणी सेक्टर 18 के एक स्कूल के अंदर, रोहिणी सेक्टर 18 के एक स्कूल के अंदर भाजपा के लोगों ने अध्यक्ष जी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया इन लोगों ने। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के बाद इन लोगों ने आज उनको अपमान करने का काम किया और साथ साथ मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का काम किया। अध्यक्ष जी, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे स्कूल का नाम रखा उनको जेल में डालने का काम किया मनीष सिसोदिया जी को, ये उस मानसिकता के लोग हैं। अध्यक्ष जी, इन लोगों ने केवल और केवल बाबा साहब का अपमान किया और साथ में जिन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया उनको जेल में डालने का काम किया। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं अपने अपने स्थान पर बैठे। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पर बैठे। ये शक्ति साहब की कुर्सी छोड़िए। हाउस 1 बजे तक के लिए एडजॉर्न किया जाता है।